बारिश का मौसम है और मौसम का फ़ायदा उठाते हुए प्लांटेशन का भी काम चल रहा है छोटे प्लांट साइड में, और ये बैम्बू के प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स भी रोड के साइड साइड में लगाए जा रहे हैं। तो हम निकले हैं R7 की तरफ से और जाएंगे R16, तो काफ़ी सारे प्राइवेट यहाँ पे लैंड भी हैं जिसमें खेती होती है और ग्रीनरी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। थोड़ा सा दूर लगता है लेकिन ब्यूटीफुल रोड है, अभी काफ़ी अच्छी बन गई है। तो सामने हमारा R16 ये आ गया है और इसका आज हम डेवलपमेंट स्टेटस देखेंगे। इसके अलावा एमिनिटीज़ जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं और HNG बिल्डिंग जिनका पोजीशन हो गया है वो देखेंगे। तो दोस्तों ये हालांकि थोड़ा सा टाउनशिप में अभी दूर है लेकिन फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा, और प्लांटेशन अभी रोड की दोनों साइड अच्छा बहुत काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है। सबसे बड़ा सेक्टर होने वाला है, बाकी जगह जो है 5 या 6 या 7 बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे 10 बिल्डिंग्स का प्लान है जिसमें HG का हैंडओवर हो गया है, FABC कंस्ट्रक्शन चल रहा है, E का भी चल रहा है और M अभी न्यू लॉन्च हुआ है। तो M का भी यहाँ पे प्रमोशन अभी सेल के लिए इन्होंने चालू किया है। यहाँ पे 2 BHK प्लॉट फ्लैट्स होने वाले हैं, जैसे कि ABC में भी 2 BHK हैं। तो ये बाहर से अभी मैं आपको पहले स्टेटस दिखाऊंगी ABC का और फिर हम सेक्टर के अंदर से देखेंगे। तो ये अभी हम लोग हैं एंट्री गेट के सामने, F आपको दिखाई दे रही है, उसके पीछे G और उसके पीछे H। तो ये बाहर से व्यू है, एक्सप्रेसवे की साइड जाते हैं वो वाली रोड से, और एक दो छोटी सी दुकानें आई हैं, शॉप्स हैं, आपको कुछ छोटा मोटा सामान चाहिए उसके लिए। तो जैसा कि प्लान में है, ये मेरे सामने A, लेफ्ट में A, मिडिल में B और अंदर की साइड C बिल्डिंग, और सामने जो 3 फ्लोर की शॉप्स बन रही हैं इनके ऊपर पोडियम भी बनेगा। और ABC के पीछे जस्ट बगल में एग्जिट गेट है और उसके साइड में C के पैलर M अभी लॉन्च हुआ है। अभी देखिए ये CBA अंदर से मैंने लिया है, इसमें ग्रिल है, वाइट वॉश का काम हुआ है और बाकी का काम भी इलेक्ट्रिक का प्लम्बिंग का चालू हो रहा है। तो तीनों बिल्डिंग का जो स्टेटस है सेम है, पैरलर चल रहा है एकदम, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तीनों ही बिल्डिंग में एग्जैक्ट सेम लेवल का डेवलपमेंट है। ये क्लोजर व्यू जो आपके फ्लैट का बाहर साइड से, तो ये ग्रिल्स, वाइट वॉश एंड प्लम्बिंग फिक्सचर्स का काम भी, इलेक्ट्रिक का काम चालू हुआ है। मिडिल में ये B बिल्डिंग, मेरे राइट हैंड साइड में C। तो ये बाहर से वापस सेम व्यू, और A के बगल में एग्जिट गेट रहने वाला है यहाँ का। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा होने वाला है सेक्टर, इसमें अभी हम अंदर चलेंगे और फिर अंदर से बाकी का व्यू देखेंगे कि अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसा बाकी का काम चल रहा है रिमेनिंग फ्लैट्स का या रिमेनिंग बिल्डिंग्स का। चलिए चलते हैं सेक्टर के अंदर, और यहाँ पे पहले हम देखेंगे एमिनिटीज। मेरे राइट में है F का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेफ्ट में E जिसमें बेसमेंट में पार्किंग है, मिडिल में देखिए ये G और उसके बगल में कॉर्नर में H है। तो मैं अभी गुजर रही हूँ G बिल्डिंग के बगल से, और राइट में ये टिन लगाया गया है F के लिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये पीछे साइड एमिनिटीज़ अभी रेडी हो गई हैं, और लास्ट जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसके पहले दिन ही ये हैंडओवर हुआ था एमिनिटीज़, तब भी उस वीडियो में भी दिखाया था। अभी वापस से एक टूर करते हैं। तो ये ओपन पार्किंग भी है और सबकी जो एक कवर्ड पार्किंग भी सबको मिली हुई है। तो हम सीधे चलते हैं और सामने ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे अंदर जाएंगे। ये है, यहाँ पे है क्लब हाउस, योगा रूम, मल्टीपर्पस हॉल और जिम। तो एंटर करते हुए ही, जैसे ही एंटर करेंगे, सिटिंग स्पेस ये थोड़ा सा है
और लेफ्ट से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे बाकी के रूम है। नीचे ये राइट में जिम है, तो ये ऑपरेशनल है, अभी यूज़ कर रहे हैं लोग, स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे बगल में ही ये स्विमिंग पूल, तो ये क्लब हाउस से लगा हुआ ही साथ में स्विमिंग पूल। और अब यहाँ से मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ, तो ऊपर में हम देखेंगे पहले एक गेम रूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, और सामने सिटिंग स्पेस है अगर आप कुछ चेस या कुछ और लेके बैठते हैं। और यहाँ से अभी लेफ्ट में अगर हम आते हैं तो योगा रूम है। यहाँ योगा रूम में मिरर लगा के भी रखा है जिससे रूम का साइज बड़ा दिखे। और बाहर जैसा सेक्टर R3 में एक्स्ट्रा स्पेस है, तो ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, अभी लॉक रखा है इन्होंने ये मिरर। और ये सिटिंग आपको वाले कोई गेम खेलना है तो ये गेम रूम हमने देखा, योगा हॉल हमने देखा। और यहाँ से सामने वाली HJ बिल्डिंग का विंडो से ये व्यू लिया है मैंने। और अब हम यहाँ से वापस चलेंगे। ये क्लब हाउस से लगा हुआ ही लॉन है, और लॉन वाले एरिया के साथ ही प्लेइंग एरिया भी है। तो ये लॉन और सामने आपको प्लेइंग एरिया दिख रहा है, कुछ झूले भी लगे हुए हैं, सिटिंग स्पेस है, सीनियर सिटीजन या कोई भी बैठ सकता है। तो ये मेरा राइट में क्लब हाउस का एरिया आपको दिख रहा है, और ये पार्टी लॉन। तो कुछ आपको इवेंट करना हो तो आप बुक करके यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल इवेंट भी कर सकते हैं बुक करके। तो ये H बिल्डिंग के अंदर हम आए हैं, मैंने जस्ट एक व्यू लिया है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1 and 2 BHK फ्लैट का सैंपल भी दिखाया है, लिंक शेयर करूंगी, अगर आप देखना चाहें तो फ्लैट विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपका भी फ्लैट मिलने के बाद तो अंदर फ्लैट के बाहर का व्यू ऐसा रहेगा। सेक्टर से बाहर निकलते हैं हम, और इसकी कनेक्टिविटी 3 साइड से है। बिल्डिंग M राइट हैंड साइड में जो है वहां से जाम्बे में कनेक्ट होगा फ्यूचर में। लेफ्ट में जो मुंबई वाला वे है उधर जाने के लिए, वहां पे काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो गया है बिल्डिंग से, तो वो रोड मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितने ज़्यादा रियल एस्टेट के बिल्डर्स आ गए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वीकेंड में, तो काफ़ी लोग विजिट के लिए आते हैं। और फ्रंट वाला जिससे हम स्टार्टिंग में आए थे मेन टाउनशिप की तरफ जाने वाला, थोड़ा सा खाली लगता है, लेकिन वो फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। और अभी क्योंकि बारिश है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा हो कि कैसा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत ब्यूटीफुल आसपास का एरिया हो जाने वाला है। तो आपसे विदा लेते हैं इस अपडेट के साथ, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।